तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अंतरिक्ष टीवी इंडिया पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे धरती के पास से एस्ट्रॉइड गुजरती रहती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको याद हो 29 अप्रैल 2020 को जो एस्ट्रॉइड धरती के पास से गुजरा था, तभी उस समय इसी साल के एंड में 2020 में 25 दिसंबर को एक और एस्ट्रॉइड धरती के पास से निकला था, जो काफ़ी नज़दीक से निकला था। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2012 में दुनिया की ख़त्म हो जाने की भी बात बताई जा रही थी और भविष्यवाणियां भी हुई थी। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आखिर कैसा खतरा है और भी एस्ट्रॉइड के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इसी समय 2020 5 तारीख को एक और एस्ट्रॉइड धरती के पास से निकलने वाला है, उसके बारे में हम आपको अभी जानकारी देने वाले हैं। वाशिंगटन फ्रांसीसी ज्योतिषी नादरे दमास की एक और भविष्यवाणी को सच करती आसमानी आफत धरती की ओर बढ़ रही है। आफत छोटी मोटी नहीं बल्कि एफिल टावर जितनी बड़ी है। जी हाँ, एफिल टावर जितना बड़ा एक क्षुद्रग्रह धरती की ओर बढ़ रहा है। 2021 O247 नाम का यह दानवी क्षुद्रग्रह एफिल टावर की ऊंचाई का 0.83 गुना और यह पृथ्वी से 7.4 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। इससे पहले 3 जनवरी को ही एक विशाल एस्ट्रॉइड 2020 मीटर का गोल्डन ग्रेट ब्रिज जितना लंबा एस्ट्रॉइड पृथ्वी से 6.9 मिलियन किलोमीटर दूर से गुजरा था। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि 2021 AC नाम का एक क्षुद्रग्रह बुधवार को पृथ्वी की कक्षा में आएगा। यह गीजा के ग्रेट पिरामिड के आकार का दुगना और यह पृथ्वी से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। इनमें 15 मीटर का 2019 YV4 एस्ट्रॉइड 6.4 मिलियन किलोमीटर की सुरक्षित दूरी से गुजरेगा। इसके बाद 15 मीटर का एस्ट्रॉइड 2020 YA1 एस्ट्रॉइड 1.5 मिलियन किलोमीटर और 2020 YP4 अगले दिन 2.1 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। नासा ने कहा था कि हर साल एक जैसे आकार वाले क्षुद्रग्रह धरती से एक जैसी दूरी से गुजरते हैं, लेकिन इनके बारे में तब तक रिकॉर्ड करना मुश्किल होता है जब तक कि वे सीधे ग्रह की ओर नहीं आते। ऐसी स्थिति में आमतौर पर वायुमंडल में विस्फोट देखे जाते हैं। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषी नास्तिद्रम ने 6338 भविष्यवाणियाँ की थी, जिनमें से 3797 भविष्यवाणियां अब तक साबित हो चुकी हैं जो सक्सेसफुली रहीं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो नास्त्रेदमस ने भविष्यवाणियां की थी, उनमें से 2021 5 जनवरी को होने वाला यह एस्ट्रॉइड धरती के पास से निकलेगा। यह एस्ट्रॉइड उनकी भविष्यवाणी को साबित करता हुआ निकलने वाला है। दोस्तों, वैसे डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह एस्ट्रॉइड हमसे लगभग 2.1 मिलियन किलोमीटर दूर से निकलेगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 5 जनवरी को निकलने वाला एस्ट्रॉइड का नाम 2008 AA4 है, जो हमारी धरती से काफ़ी दूरी से निकलेगा। दोस्तों, धरती से ये नहीं टकराने वाला है और नासा इसके ऊपर भी काम कर रहा है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि नासा ऐसे स्पेसक्राफ्ट पर काम कर रहा है जो एस्ट्रॉइड को धरती से टकराने से रोकेगा। उनमें कई स्पाई सैटेलाइट और अन्य गैजेट बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि नासा ऐसा कई मिशन कर चुका है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो 2020 में ओसायरिक्स स्पेसक्राफ्ट वेन्यू की सतह पर उतरकर सैंपल लेकर आया है, और यहां तक कि जापान का हायाबूसा 2 एक नामक एस्ट्रॉइड ग्रह के ऊपर उतरकर वहां से सैंपल लेकर आया है। तो दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो मजा आए तो लाइक ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब कर ले।